आपको पता है गाइस, जो फर्स्ट कंट्री थी एल सेल्वाडोर, जिसने हिस्ट्री रची थी क्रिप्टो को हरी झंडी देकर, यानी अपने देश के बीच में अप्रूव करके क्रिप्टो करेंसीज को, और वो दूसरी कंट्री कौन सी है जिसने इसके बाद ऐसा कदम उठाया है। और साथ के साथ हम बात करेंगे जो वजीरे एक्स है, वजीरे एक्स एक्सचेंज, आपको पता होगा उस पर 2790 करोड़ रुपये का घोटाले का चार्ज है, वो उनने क्या घोटाला किया, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर होल्डर्स को लेके, जो शिबा इनू के होल्डर्स हैं, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है सैन सीली के नाम द्वारा, एक ट्वीट किया गया है इन्होंने लगभग 2 घंटे पहले ट्वीट किया, क्या कुछ ट्वीट किया इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो चलते हैं अपने मार्केट की तरफ, और आज का मार्केट का हाल जानते हैं। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो वो 2% लगभग डाउन रहा है मार्केट, ठीक है। तो चलिए हम कोइंस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2% डाउन होने के बाद बिटकॉइन में 0.32 का उछाल देखने को मिला, उसके बाद इथेरियम हमारा 2% नीचे गिर रहा है, इसी तरह यूएसडी भी नीचे रहा है, बाइनेंस बीएनबी थोड़ा सा अप दिखा है, कार्डो माइनस में और डोज गोइन भी माइनस में हमको दिखा है यहाँ पर। तो चलिए अपने सीधा ही शिबा इनू की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये हमारा शिबा इनू का खुल चुका है, और शिबा इनू का अगर हम देखें सबसे पहले रैंक की बात करें तो 41 रैंक उसका बना हुआ है, 24 घंटे के बीच में यहाँ पर -8% ये चला गया गाइज, ये माइनस के 14% तक चला गया था, ये मतलब ये अप एंड डाउन करता रहता है, लेकिन ये माइनस के 8 है, कल भी डाउन था यहाँ पर, आज भी डाउन है यहाँ पर, और रैंक में भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर इजाफा हुआ है, मतलब 39 रैंक था फिर 41 रैंक पे आ चुका, बीच में 50 रैंक भी आया। तो चलिए अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें, वॉल्यूम कैप की बात करें, तो मार्केट कैप -9% है, वॉल्यूम कैप पिछले 24 घंटे में -15% डाउन पे पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए एक बार ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम, ये हमारा प्राइस का ग्राफ ओवरऑल ऊपर है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी -10% है पिछले 24 घंटे के बीच में। उसके बाद वजीर एक्स की बात करें, अगर वजीर एक्स पे आकर आप यहाँ पर चेक करो तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वजीर एक्स की ही बात करें तो वजीर एक्स की न्यूज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो गाइज वजीर एक्स न्यूज़ में हुआ क्या है, इन्होंने घोटाला किया, दरअसल में 2790 रुपये का घोटाला यहाँ पर सामने आया है, रुपये का या लेन देन का घोटाला। असल में ये सामने कब आया है मैं थोड़ा आपको डीपली दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ हुआ क्या है, ये देखिए 57 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की लॉन्ड्रिंग की गई है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, 57 करोड़ रुपए की यहाँ पर। तो हुआ क्या है दरअसल में वजीरे एक्स में, आपको थोड़े टाइम पहले भी पता होगा, 5 या 6 दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता या पहले, भाई वजीरे एक्स में क्या हुआ था, जब लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, कोई कोइन था उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, तो उनके वहाँ पर होल्डिंग पे आ गया, भाई वेट करो वेट करो वेट करो, और जो उसका प्राइस नीचे चला गया फिर से, और उसके बाद भी वो होल्डिंग ही शो कर रहा था, और उसके बाद वो लो प्राइस पर बिके क्योंकि प्राइस पर नीचे आ चुका था, तो उसी बीच में सब घपला हुआ है यहां पर 57 करोड़ रुपए का। और इसके बीच में क्या कुछ किया है यहां पर वजीरे एक्स से अपना पैसा निकाल के वो कहां डाला है, बाइनेंस के अकाउंट में डाल दिया बाय द हेल्प ऑफ यूएसडीटी, ठीक है, थेटर यूएसडीटी, तो इसके हेल्प से, तो उसके बीच में ये सारा घपला देखने को मिला 57 करोड़ रुपए का। अब मैं आपको एक राय देता हूँ, जिन्होंने भी वजीरे एक्स लिया हुआ है, जिनके पास भी एक तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज है तो वैलेंट गुड, जिन्होंने वजीरे एक्स खरीदा हुआ है, इनका खुद का अपना हुआ है, जिन्होंने ये खरीदा हुआ है तो वो अभी सेल करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो उसका प्राइस 126-127 रुपये आपको मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, क्योंकि जब से ये खबर यहाँ पर आई है तो सभी में हड़बड़ाहट सी मच गई है। अब इतना करोड़ रुपये इनको जब देना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, अपने एक्सचेंज के थ्रू ही तो वो इतना करोड़ रुपए का जुर्माना भर पाएंगे, तो इसीलिए उसका प्राइस अब नीचे की तरफ जा रहा है, जिन्होंने भी खरीदा हुआ है वो अभी सेल कर दें, फायदे में रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई एल सेल्वाडोर के बाद जो दूसरी कंट्री की बात करते हैं वो टेक्सास स्टेट है यहाँ पर, टेक्सास स्टेट भी सेंटर अमेरिका का ही स्टेट है, साउथ साइड में ये पड़ता है यहाँ पर। तो इन्होंने भी ऐलान कर दिया है यहाँ की सरकार ने, भाई ठीक है आप क्रिप्टो का एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब इसके ऊपर भी जो बैंक्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं 10 तारीख को, ये जून 10 को ये नोटिस किया गया, यानी कल नोटिस दिया गया उनको, आज 11 जून है यहाँ पर। जून 10 नोटिस फ्रॉम द टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग टोल्ड स्टेट चार्टर्ड बैंक्स दैट दे कैन वर्क विद क्रिप्टोज कंपनीज, देखा भाई ये वो क्रिप्टो कंपनी के साथ काम यहाँ पर कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको इसमें डिटेल में जानना भाई क्या कुछ है तो coindex.com वेबसाइट पे, ये coindex पे आपको यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ मिल जाएगी भाई क्या कुछ है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ कि भाई 10 तारीख को किस तरह से है और ये क्या कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्वीट की तरफ,
तो एल सेल्वाडोर के बाद दूसरी कंट्री टेक्सास थी हमारी, उसके बाद यहाँ पर कॉइन मार्केट। तो ये गाइस कॉइन मार्केट का हमने ऑफिशियली ट्विटर पेज यहाँ पर निकाल दिया, आप देख सकते हैं 1.9 मिलियन के फॉलोवर्स, और साथ के साथ ब्लूटूथ भी इनका लगा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और इन्होंने एक 8 घंटे पहले लगभग ट्वीट किया है यहाँ पर, 8 घंटे पहले इन्होंने टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स निकाले हैं यूरोप के, ठीक है, साफ साफ लिखा टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स जो यूरोप में टॉप ट्रेंड पर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो टॉप ट्रेंडिंग यूरोप में रहे हैं उसके बीच में 10वां नंबर शिबा इनू का भी है। तो गाइस देख सकते हैं आप, शिबा इनू का भी 10वां नंबर है, वो भी यूरोप के बीच में, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो मतलब कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ पर मिल रही है शिबा इनू का, मैं दरअसल मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। और हैशटैग इन्होंने भी शिबा हैशटैग यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वेट की तरफ चलते हैं। जो होल्डर्स हैं शिबा इनू के, वो 5 लाख कंप्लीट होने वाले, अभी कंप्लीट हुए नहीं है लेकिन कंप्लीट होने वाले हैं, लगभग 4,92,000 या 93,000 कंप्लीट हो चुके हैं होल्डर्स, और मतलब 5,000 होल्डर्स होने वाले हैं शिबा इनू के। होल्डर्स का तो आपको पता होगा भाई, जो बाय करके होल्ड करके रख देते हैं, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और साथ के साथ यहाँ पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिबा इनू के फेस को कोइन गोल्ड के साथ बनाया हुआ है और ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक ट्वीट किया है सेंसिली ने, लगभग 2 घंटे पहले यहाँ पर ट्वीट किया है। इन्होंने क्या ट्वीट किया है, ये बोल रहे हैं भाई जब शिबा स्वैप आ जाएगा, तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो भाई, शिबा स्वैप आने के बाद प्राइस इस तरह से बूम बैक करेगा टू द मून, इस तरह से। तो गाइज एकदम तो ऐसा नहीं होगा, अगर मेरी राय में मान तो एकदम ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और खाली शिबा स्वैप ही काम नहीं करेगा, यहाँ पर रॉबिन हुड भी अपना काम दिखाएगा। अगर रॉबिन हुड पर वहाँ पर लिस्ट हो जाता है तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अकेला शिबा स्वैप इतना प्राइस को बूम नहीं करेगा। प्राइस बूम होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा भाई, जैसे 1 रुपये से 100 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है 1 रुपये से 3 रुपये हो जाए, हालांकि अभी 1 रुपये प्राइस नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 1 रुपये भी जल्दी हो जाएगा इन द एंड ऑफ 2021 के एंड तक, ऐसा अनुमान है, अगर रॉबिनहुड पे पिटीशन रॉबिनहुड पे लिस्टिंग हो जाए और साथ के साथ शिबा स्वैप आ जाए यहाँ पर। तो चलिए अब रॉबिन हुड की बात करें, तो एक बार रॉबिन हुड पे नज़र डाल लेते हैं भाई। रॉबिन हुड पे अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है पेटिशन पे, आपको तो पता था भाई 1.5 लाख सिग्नेचर की यहाँ पर ज़रूरत थी रॉबिन हुड पे, 1.5 लाख सिग्नेचर्स की। सबसे पहले 75,000 सिग्नेचर की जरूरत थी, और उसके बाद पेटिशन को बदल के यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की सिग्नेचर की यहाँ पर जरूरत पड़ चुकी थी। उसके बाद अब देखते हैं लगभग 1,28,000 यहाँ पर सिग्नेचर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी ऐसा हम मान सकते हैं भाई 2 या 3 दिन के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इसी तरह से अमेज़ोन के लिए भी चल रहा था, लेकिन अमेज़ोन के लिए बहुत ही कम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अमेज़ोन के लिए उनको लगता है ये फेक है। ऐसा अमेज़ोन की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया या कोई मेल कुछ नहीं डाले गए अमेज़ोन की तरफ से कम रॉबिन हुड की तरफ से मेल तो डालिए लोगों ने, वहाँ से कंफर्म तो किया हाँ भाई ऐसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा। और इन्होंने भी डाला हाँ भाई हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर और हम सोच रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पेटिशंस पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना। तो गाइज फर्दर अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में।